दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट न्यूज। क्रिकेट का महासंग्राम आईपीएल 2020 की शुरुआत 26 सितंबर से 8 नवंबर के बीच में यूएई में होने वाली थी, जिसकी अनाउंसमेंट बीसीसीआई ने कर दी है। पर दोस्तों इस डेट में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और आईपीएल 2020 26 सितंबर से पहले ही स्टार्ट होता हुआ दिखाई देने वाला है। यानी दोस्तों आईपीएल 2020 की एक न्यू स्टार्टिंग डेट अनाउंस होने वाली है, जिसके के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और दोस्तों साथ ही हम आपको आईपीएल 2020 के मैचेस की टाइमिंग से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर देने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर अंत तक देखना। और अगर आप भी हैं क्रिकेट के फैंस और वेट कर रहे हैं आईपीएल 2020 का, तो कर दीजिए हमारी वीडियो को एक लाइक। और क्रिकेट जगत से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो दोस्तों बात करूँ आज की पहली बड़ी खबर की, दोस्तों ये खबर आईपीएल 2020 की न्यू स्टार्टिंग डेट रिलेटेड होने वाली है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते ही है कि बीसीसीआई का स्टार स्पोर्ट्स के साथ आईपीएल की न्यू डेट से जुड़ा एक विवाद चल रहा है। दरअसल दोस्तों स्टार स्पोर्ट्स चाहता है कि आईपीएल को 13 या फिर 14 नवंबर तक के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए, क्योंकि दोस्तों उस समय दिवाली का टाइम होगा और इस तरह स्टार स्पोर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स मिल सकेंगी, जिससे कि वो आईपीएल का इतना लेट होने के कारण जो नुकसान हुआ है वो रिकवर कर सकेगा। तो दोस्तों इसलिए शायद इस बार आईपीएल 2020 हमें 19 सितंबर से 13 या फिर 14 नवंबर के बीच में होता हुआ दिखाई देने वाला है। तो दोस्तों ये थी आज की पहली बड़ी खबर। वहीं दोस्तों बात करूँ आज की दूसरी बड़ी खबर की, तो दोस्तों ये खबर होने वाली है आईपीएल 2020 के शेड्यूल से रिलेटेड। तो दोस्तों बीसीसीआई ने अनाउंसमेंट कर दी है कि इस साल आईपीएल 2020 हमें 40 से 44 दिन का दिखने वाला है, जिसमें कि बीसीसीआई 44 दिन में 70 मैचेस को अरेंज करने वाली है। यानी दोस्तों बीसीसीआई इस बार ज्यादा से ज्यादा डबल हेडर मैचेस को अरेंज करेगी। तो दोस्तों ये थी आज की दूसरी बड़ी खबर। वहीं दोस्तों बात करूं आज की तीसरी बड़ी खबर की, तो दोस्तों ये खबर आईपीएल 2020 के मैचेस के टाइमिंग से रिलेटेड होने वाली है। दरअसल दोस्तों भारत और यूएई के टाइमिंग में लगभग 1.5 घंटे का फर्क आता है, जो कि कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। तो दोस्तों इस हिसाब से जो दिन वाला मैच है वो यूएई में 2 बजे स्टार्ट हो जाएगा, जिसे कि हम इंडियन टाइमिंग के हिसाब से 3:30 बजे लाइव देख पाएंगे। वहीं दोस्तों बात करूँ शाम वाले मैच की, तो दोस्तों शाम वाला मैच यूएई में 6 बजे स्टार्ट हो जाएगा, जिसे कि हम 7:30 बजे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से लाइव देख पाएंगे। तो दोस्तों टाइमिंग में बिल्कुल भी फर्क नहीं आने वाला है, जो पहले टाइम हुआ करता था वही टाइम रहने वाला है। तो दोस्तों ये थी आज की आईपीएल से जुड़ी तीन बड़ी खबरें, जिसके की बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल क्रिकेट न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।